आप देख रहे समझ सहारा न्यूज और रुख करते कुछ खास खबरों की तरफ। एक बड़ी खबर आ रही है सागर जिले से, जहां पर एक कपड़े के गोदाम में आग लग गई जिससे 12 लाख का नुकसान हुआ। मंगलवार को सागर जिले के राहगढ़ थाना इलाके में एक आगजनी का मामला सामने आया, जिसमें कपड़े की गोदाम में आग लगने से करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मामला राहतगढ़ थाना इलाके के वार्ड नंबर 4 ब्लॉक कॉलोनी का है, जहां पर दुकान राजू नामदेव की कपड़े की गोदाम में अचानक आग लग गई। आस पड़ोस के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकानदार रवि नामदेव ने बताया कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है, बहुत नुकसान हुआ है। आज सुबह 10 बजे गोदाम बंद करके घर गया था, जैसे खाना खाना बैठे तो खबर आई गोदाम में आग लग गई है। अचानक मेरी गोदाम में आग लग गई, अचानक मैं 10 बजे वहाँ से नहा के कपड़ा वगैरह धो के मतलब आया। इसके बाद मैं 11 बजे भोजन के लिए गया, भोजन कर रहा था। इसके बाद मेरे लिए खबर मिला कि वो आपकी गोदाम में आग लग गई। आस पड़ोस के जो लोग हैं उन लोगों ने मदद की, बाकायदा पानी लाए और पानी द्वारा आग बुझाने की, आग को पानी और बाल्टियाँ वगैरह घुस के कुछ लोग झुझल भी गए, 2-4 लोग। फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं थी? फायर ब्रिगेड के पहले ही जी सब उस लोग हैं जो इतने व्यस्त हो गए थे कि वे भूल चुके। करीब कितने का नुकसान हो गया है? करीब 12-13 लाख रुपए के अन करीब नुकसान है। क्या क्या था उसमें? उसमें साड़ियाँ थी चढ़ाए वाली, टावलें थी, कुछ सादा सिंपल साड़ियाँ थी, कुछ पल्ली थे, गद्दा थे, टावलों की तादाद थी कुछ बहुत अधिक, पेंट शर्ट के कपड़ा। वो अचानक है जो आग लगी है, इसमें किसी का कोई भी हाथ न होने की संभावना है, और जी अज्ञात आग के लिए बोलेंगे हम।